हेलो गाइस, आई एम विशाल एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ टाउन प्लानिंग इन इंडिया। सो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द टाउन प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वास्तुशास्त्र, जिसमें हमने पढ़ा था दंडका, सर्वतोभद्रा, नंदी प्रथा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल, 7-8 टाइप के थे। और जिसको याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बताया था कि दान से निराज पद्मा सर पटक के चली गई। तो आप लोगों ने अगर मेरी पीछे इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लो आप लोग। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंडियन सिटीज़ जैसे कि शाहजहाँबाद एंड जयपुर, चंडीगढ़ एंड सो ऑन। सो आई विल स्टार्ट बाय शाहजहाँबाद, सॉरी सी ओल्ड नेम ऑफ दिल्ली वॉज ओनली शाहजहाँबाद। दिस इज़ द प्लान ऑफ शाहजहाँबाद ऑफ द ईयर 1857 एंड 58। दैट टाइम दिल्ली वॉज नेम्ड अ शाहजहाँबाद। एंड बाय सीइंग दिस सिटी प्लान आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा जो मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, कि ये शेप कुरमुखा है, कुरमुखा शेप। ओके, तो गाइज ये शेप जो है बो और सेमी सर्कुलर शेप का है, विथ 5 एंट्रेंसेस एंड ये सेंटर में रेड फोर्ट एंड समवेयर हियर इज चांदनी चौक। सो दिस इज़ प्लान ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली, दैट जिनका पुराना नाम शाहजहाँबाद था। एंड पीछे यमुना रिवर इज़ फ्लोइंग। तो दिस इज़ द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि कर्मुखा पैटर्न पे है, कर्मुखा टाइप टाउन प्लानिंग शाहजहाँबाद। ओके, किंग शाहजहाँ ने बनाया था। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो शाहजहाँबाद इज़ द ओनली हिंदू इस्लामिक टाउन प्लानिंग विच इज़ बेस्ड ऑन हिंदू प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसकी हिंदू प्रिंसिपल्स ये है कि ये शिल्प शास्त्र के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। शिल्प शास्त्र क्या होती है, अगर आप लोगों ने मानसरा पढ़ा होगा, मानसरा इज़ काइंड ऑफ वेद, शिव शास्त्र एंड ऑल, तो दैट इज़ हिंदू प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, नाउ इसके बाद ये प्लान है, इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये बो शेप का है, दैट इज़ कुरमुखा, एंड पीछे यमुना रिवर इज़ फ्लोइंग, एंड समवेयर हियर इज़ आवर चंडीगढ़, राइट। सो नेक्स्ट विल स्टडी जयपुर सिटी। जयपुर सिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो जयपुर सिटी की प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग, वो ग्रिड पैटर्न पे है। एंड जो ग्रिड है वो 9 नंबर ऑफ ग्रिड्स पे डिवाइड है, एंड ईच ग्रिड इज़ ऑफ 3x3। जो सबसे टॉप लेफ्ट वाली ग्रिड है वहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन है क्योंकि वो हिल साइड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई कैन से इट फनी बेटर, कि फनी स्टोरी है कि वाइल दैट किंग महाराजा जय सिंह हु कंस्ट्रक्टेड जयपुर सिटी, व्हेन ही वाज डूइंग द सिटी प्लानिंग, तो एट दिस प्लेस, एट दिस कॉर्नर एनॉर्मस मैसिव हिल केम, सो नो कंस्ट्रक्शन हैज़ बिन डन एट दैट प्लेस। ओके, सो उसके जगह इस कॉर्नर पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया वो वाला 3x3 का ग्रिड, हैंस दिस इज़ द टाउन प्लानिंग। इस एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं इस एरिया में ही फोर्ट है, महड़गढ़ फोर्ट आई गेस। ओके, सो दिस इज़ द वन थिंग। नाउ प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो सेंट्रल एक्सेस एंट्री गेट्स हैं, और जो गेट्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेड है, राइट। एंड सेकेंडली जो स्ट्रीट्स हैं जयपुर सिटी की वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ओरिएंटेड है। सेकेंड देन आई विल टॉक अबाउट द ओके, दिस 9 नंबर इज़ वेरी डोमिनेटिंग। आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि जो ग्रिड्स हैं वो 3x3 की हैं, मतलब 9 हो गया। सेकेंड एक प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो शॉप्स थे कॉमर्शियल शॉप्स वो 9 के मल्टीपल पे थे इस पर, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड इज़ की टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स भी 9 है, सो 9 नंबर डोमिनेटिंग था, सो बिकॉज देर दैट टाइम 9 प्लैनेट्स थे। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। ओके, नाउ दो टर्मिनोलॉजीज हैं जब आप जयपुर सिटी को पढ़ रहे हो तो दो टर्मिनोलॉजीज आते हैं, चंदपोल एंड सूर्यपोल। क्या है ये चंदपोल? ओके, सो जयपुर के ईस्ट एंड वेस्ट साइड में चंदपोल एंड सूर्यपोल है। यहाँ पे आप देखो, ईस्ट इज़ चंदपोल, वेस्ट इज़ सूर्यपोल। ओके, एंड ऑफकोर्स ऊपर की साइड इज़ नॉर्थ पोल एंड डाउनवर्ड्स इज साउथ पोल। सो दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक एंड प्लानिंग प्लानिंग फीचर्स ऑफ जयपुर सिटी। एंड इन द सेंटर एंड इन द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल वाला ग्रिड ऊपर वाला एंड उसके नीचे वाला, यहाँ पे कई महल्स थे,
महल था इंडियन, मतलब इंडियन फोर्ट्स, और उस टाइम में एंशियंट टाइम में किंग्स के घर वर हुआ करते थे। ठीक है गाइस, उसके बाद प्लानिंग सिटीज़ में ये प्लानिंग प्लान लेआउट है जयपुर सिटी का। ये देखो गाइस, यहाँ पे मेहरगढ़ फोर्ट है, यहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन है, तो ये वाले कंस्ट्रक्शन को इधर कर दिया गया है। तो दिस इज़ द प्लानिंग लेआउट ऑफ द सिटी जयपुर। एंड एक फैक्ट है कि जयपुर सिटी को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज द हाउसेस इन जयपुर सिटीज़ आर टेराकोटा कलर्ड लाइम स्टोन प्लास्टर्ड हाउसेस। ओके, टेराकोटा कोटेड लाइम प्लास्टर्ड हाउसेस, दैट्स वाई जयपुर सिटी इज़ कॉल्ड पिंक सिटी। सो इसमें तो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बींग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आर्किटेक्चर कोर्स में भी पढ़ाया जाता है चंडीगढ़। तो इसकी जो बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है और फेमस भी है, यह है V7 रोड कॉन्सेप्ट। ओके, जो दिया था ली कॉर्बूजियर ने। अच्छा गाइज, जो चंडीगढ़ सिटी है इसको, इसकी प्लानिंग की शुरुआत करी थी अल्बर्ट मेयर ने, बट इनकी प्लान एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो फिर ली कॉर्बूजियर ने देखा, इनका वर्कलोड ले लिया, एंड देन ही कंप्लीटेड द प्लानिंग ऑफ चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ सिटी इज़ प्लान्ड बाय एंड मेड बाय आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर। ओके फाइन, ली कॉर्बूजियर। ओके, और जो चंडीगढ़ सिटी है हमारी गाइस, ये ह्यूमन बॉडी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जो जैसे कि सेक्टर 17 है, वो सेंटर ऑफ सिटी है, हर्ट सिटी कहते हैं उसको, सब कैपिटल कॉम्प्लेक्स सिटी। आप लोग इस फिगर में देखो, दिस इज़ द सेक्टर 17, जो कि बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न्स पे है अपनी चंडीगढ़ शहर, एंड सेंटर में सेक्टर 17, विच इज़ कॉल्ड एज कैपिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। एंड चंडीगढ़ सिटी कि जब आप प्लानिंग देखोगे तो दोनों साइड से लेजियर वैली बह रही है, वैली, ठीक है। दोज आर द लंग्स, ह्यूमन बॉडी में लंग्स है। दिस पोर्शन इज़ द हेड, एंड इससे ज़्यादा डिटेल मैं अपने दूसरे वीडियो में दूंगा, जिस पे सिर्फ चंडीगढ़ की डिटेलिंग दूंगा प्लानिंग पे। तो एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे ही। चंडीगढ़ की जो रोड पैटर्न है, ये एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट इससे पहले ये बता देता हूँ कि चंडीगढ़ में टोटल 47 सेक्टर्स हैं, एंड इच सेक्टर की जो साइज़ है दैट इज़ 800 बाय 1200, राइट। ओके, दीज आर द ग्रिड्स, एंड इच ग्रिड्स इज़ ऑफ 800 बाय 1200, एंड टोटल देर आर 47 ग्रिड्स, एंड हर सेक्टर सेल्फ कंटेंड है। वॉट इज़ सेल्फ कंटेंड? सेल्फ कंटेंड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हर सेक्टर की अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़, अपनी ही कमर्शियल शॉप्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशंस। सो इसलिए हर कैपिटल अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सेल्फ कंटेंड सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रोड्स। तो रोड्स मैं नीचे से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने जो इसको याद किया, इसका एक मतलब एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सो ये तो इजी है कि V8 और V7 तो साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ हैं, जानते ही हम। एंड V6 जो है दैट इज़ एक्सेस रोड टू हाउस। जो आप अपनी घर से निकल के रोड पे जाओगे, दैट रोड इज़ कॉल्ड एक्सेस रोड टू हाउस, V6। ओके, एंड V5 इज़ द सेक्टर रोड्स, आप सेक्टर में जो घूम रहे हो। V4 इज़ द शॉपिंग स्ट्रीट्स, एंड V3 आर द सेक्टर डिफाइनर्स, मीन्स फास्ट वैक्यूलर रोड्स भी कहते हैं। V2 आर द लूप रोड्स। ओके, एंड V1 इज़ द इंटर स्टेट रोड, दैट इज़ दैट रोड कनेक्ट चंडीगढ़ टू इट्स अदर स्टेट्स, टू स्टेट्स दैट आर टू इट्स नेबर स्टेट। ओके, सो दीज आर द थिंग। तो इसको मैंने याद किया है गाइस, कुछ भी है मतलब बकवास पे लो और याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ऐसे मैंने ऐसे याद किया है, साइकिल, एक बंदा है, वो बंदा साइकिल से निकला, फुटपाथ पे घूमा, फिर फुटपाथ पे ले जाके, फिर उसकी फुटपाथ घर से रोड की तरफ गई, और फिर वो सेक्टर में अपनी साइकिल को चलाया, फिर सेक्टर में चलाते चलाते वो शॉपिंग मॉल गया, वहाँ से बियर ख़रीद ली उसने, शॉपिंग स्ट्रीट्स। सो बियर ख़रीद के उसने फास्ट व्हीकल चलाया, फास्ट व्हीकलर रोड, फास्ट चला चला के फिर वो उसे चक्कर आ गई, सो लूप रोड, एंड ऊपर फिर उसे स्टेट अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, स्टेट हॉस्पिटल, ही वॉज एडमिटेड टू स्टेट हॉस्पिटल। तो गाइज इस तरह मैंने याद किया इसको, अगर आपको कोई और तरीका आता है तो आप याद करो, अगर आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो रहा है
तो कुछ भी बकवास पहले और याद हो जाएगी। तो सॉरी, सो दिस इज़ द V7 कॉन्सेप्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी एंड दिस इज़ द प्लान जो कि मैंने बता दिया ह्यूमन बॉडी पे है। नाउ ये ख़त्म होती है हमारी। इसके बाद एक जनरल टर्म है, मतलब रोड क्लासिफिकेशन जो है इंडिया में अब डिफरेंट हो गई है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड MDR, ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये सब हो गई हैं। बट पहले ऐसे थी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो बड़ी होती जा रही है रोड, मतलब ट्रैफिक बड़ी हो रही है, भीड़ उसमें क्राउड हो रही है एंड ये सब। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले आता है LA जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी, उसके बाद लोकल स्ट्रीट्स एंड देन कम्स द कलेक्टर रोड्स। दो टाइप के होते हैं, मेजर एंड माइनर। ओके, आर्टेरियल रोड्स ट्रैफिक जनरेटर, यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होते हैं। एंड देन कम्स द एक्सप्रेस हाईवेज, एक्सप्रेस वेज, हाईवेज एंड फ्री वेज। ओके, एक्सप्रेस वेज में डायरेक्ट लैंड नहीं होते हैं, जबकि फ्री वेज वगैरह में डायरेक्ट लैंड होते हैं। डायरेक्ट लैंड क्या होती है? द एक्स्ट्रा स्पेस और सर्विस स्पेस जिसपे आप व्हीकल की टर्निंग वर्निंग ले सकते हो, और ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट लैंड। सो एक्सप्रेस वेज में वी डोंट हैव डायरेक्ट लैंड, बट वाइल इन फ्री वेज एंड ऑल वी हैव डायरेक्ट लैंड। ओके, इसको भी आप सीरियल वाइज ही याद रखो कि सबसे छोटी LA है, फिर नीचे जाते जाओगे तो लोकल स्ट्रीट, कलेक्टर रोड्स, आर्टेरियल रोड एंड देन लास्ट में फ्री वेज। तो इसको आप याद रख लो, अल्का शुरू में तो अल्का है, लास्ट में EHF, राइट। अल्का इज़ ए इज़ LA, L इज़ लोकल, C इज़ कलेक्टर्स, कलेक्टर रोड, देन ए इज़ अगेन आर्टेरियल रोड जो कि ट्रैफिक जनरेटर भी है, ई इज़ एक्सप्रेस वेज, एच इज़ हाईवे एंड एफ इज़ फायर वेज, EHF। ओके, ठीक है। देन देर इज़ अनादर टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड कल्डेसैक। कल्डेसैक, कल्डेसैक क्या होती है कि डेड एंड, ठीक है, आप इसे याद रख लो गाइस, याद ही रखना है बस आपको। गेट का मतलब रट्टा, ठीक है, सो याद कर लो इसको, डेड एंड है ये। ऐसे कल्डेसैक क्या होता है कि जब जा रहे होते हैं तो रोड में, जैसे कि यहाँ से कोई अंदर गया, जाके फिर ये कहीं और नहीं जा सकता, ये इसको वापस घूम के यहीं से बाहर आना पड़ेगा। सो देर इज़ नो पैसेज टू गो बियॉन्ड देन दिस बाउंड्री, सो दैट इज़ डेड एंड रोड है, दोज आर कल्डेसैक। ओके, सो यहाँ पे हमारी स्लाइड ख़त्म होती है हम लोगों की। इस वीडियो का एंड करता हूँ, और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग एक्ट्स इन इंडिया। उसमें दो आ जाता है, एक तो प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की, और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से बाद की। ओके, तो वो वीडियो काफ़ी बड़ी है और उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे गाइस ब्रेक ले रहा हूँ। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।